हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हमारे घर में आए थे गेस्ट। गेस्ट आते हैं तो कुछ टेस्टी बनता है ना, तो चलो हम भी कुछ टेस्टी बनाते हैं। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी क्या बना रही हूँ आगे। अरे नहीं बताने से क्या होगा, देख के तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो बनाते हैं। अरे अरे, ये देख के तो पूरा ही समझ में आ गया होगा, चलो बता ही देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी नूडल्स। प्रोसेसिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने बॉईल कर लिया है नूडल्स को। तो चलो पहले कढ़ाई को गरम करते हैं। कढ़ाई गरम होने तक चलो पहले लहसुन और अदरक छीलते हैं। चलो कढ़ाई गरम हो चुका है, अभी ऑयल डालते हैं। लहसुन और अदरक के साथ साथ हम लोगों ने कैप्सिकम और गाजर, साथ ही मिर्च भी काट लिया है। एंड हमने यहाँ पे अदरक को अच्छी तरह से कूट लिया है, दिख रहा होगा, इसका चित्रे भी बना दिया है कूट के। फिर हमारा तेल गरम हो चुका है, तो हम पहले अभी डालेंगे कैप्सिकम और गाजर। तो चलो चलो डालते हैं। ये रही मैं, तो मैं कितनी एंजॉय करते हुए बना रही हूँ, आप देख सकते हो। हाँ, बाद में हंस लूँगी, पहले बना लेती हूँ, उधर गेस्ट बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा अभी डालने का अदरक और लहसुन, तब मैंने अभी फ्लेवर के लिए डालूंगी। क्योंकि पहले क्यों नहीं डाली, क्योंकि अगर पहले डालती तो जल जाता एंड उसका फ्लेवर आता नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको हम मिलाते हैं और अच्छी तरह से इसको भूनते हैं हाई फ्लेम में। मोस्टली पता ही होगा, हमारा जो फर्स्ट फूड होता है वो हम हाई फ्लेम में ही बनाते हैं। तो हमारा अभी ये चाउमीन जो हमने बॉयल करके रखा था वो अभी डाल दिए। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ मैं डाल रही हूँ अभी सोया सॉस एंड विनेगर। तो ये सब डालने के बाद ऑलमोस्ट हमारा जो नूडल्स है वो बन चुका है। तो साथ ही हमें मेन जो है ये मसाला, नूडल्स मसाला डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो हमारा नूडल्स अधूरा है। देन मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ, ताकि जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इम्प्रेस हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अपना गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए पूरा सारा रेडी कर लिया है एंड मैंने दे भी दिया है। एंड मैं यहाँ पे चुप चुप के किचन में खा रही हूँ, थोड़ा मुझे शर्म आती है उनके सामने खाने में, तो मैंने सोचा छुप के ही खा लेती हूँ। तो इधर मैंने दे दिया है। तो खाने वाले लोगों में से गेस्ट बस एक ही थे ये, एंड सारे लोग थे जो सारे मेरे घर वाले थे। तो मैं इनसे रिव्यू लेने आई थी कि कैसा लग रहा है मेरा नूडल्स, तो इनसे काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला। थैंक यू बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा सुना दिया आप लोगों को, वरना आप लोग भी बोलते हैं कि पता नहीं कैसा बनाई है, बस बोल रही है अच्छा है। तो अगर मेरे नूडल्स आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।